धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर पंकज गर्ग परम पिता जी का एक अनोखा करिश्मा इस तरह बयान करता है। दिसंबर 1989 की बात है, उन दिनों में मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वहीं हॉस्टल में ही रहता था। वार्षिक परीक्षा मई 1990 को होनी थी। उस रात एक मीठे से सपने में मुझे परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के दर्शन हुए। बेपरवाह जी ने फरमाया, बेटा तेरे होने वाली परीक्षा में हॉस्पिटल के सभी विद्यार्थियों में से तेरा दूसरा स्थान आएगा। बाली दो जहान परमपिता जी ने मुझे पहले नंबर पर आने वाले विद्यार्थी का भी नाम बताया। मैं अपने परम पूजनीय सतगुरु परम पिता जी के नूरी दर्शन करके इतना खुश था कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने अपनी इस खुशी का राज अपने साथी विद्यार्थी को भी बता दिया। परीक्षा में तब 5 महीने पढ़े थे, किसी ने इस बात पर मेरा यकीन नहीं किया। मुझे अपने प्यारे सतगुरु कुल मालिक पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे पर ही मैंने अपने साथियों को विश्वास दिलवाने की कोशिश की। निश्चित समय के अनुसार परीक्षा हुई और जब उसका परिणाम घोषित हुआ तो पूज्य परम पिताजी के वचन साकार हुए। नतीजा सभी के सामने था। वही विद्यार्थी पहले नंबर पर था जिसका नाम मुझे परम पिताजी ने पहले ही बता दिया था। उन्हीं वचनों के अनुसार मैं सभ्या अपने साथी हॉस्टल के विद्यार्थियों में से दूसरे स्थान पर था। जब यह बात मैंने अपने साथी विद्यार्थियों को याद करवाई तो वह हैरान रह गए। सतगुरु तो सर्वसमर्थ और दोनों जहान का मालिक है। वह अपने सेवक के सदा अंग संग रहता है और उसे आने वाली हर घटना के बारे में शिष्य की इच्छा के अनुसार जानकारी पहले ही करा देता है, क्योंकि वह परम दयालु और मेहरबान है। मैं अपने सतगुरु प्यारे के इस अनूठे करिश्मे को प्रत्यक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अपने सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के इस अथाह प्रेम को भी मैं कभी नहीं भुला सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।